विकास खंड चौपाल की 3 दर्जन महिलाओं को BDO ऑफिस चौपाल में 10 दिन की कैंडल मेकिंग ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दी गई। ट्रेनिंग में महिलाओं को गुणवत्ता युक्त कैंडल बनाना सिखाया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि तैयार की गई कैंडल की कीमत कैसे निकाली जाए एवं इसके लिए मोम और अन्य कच्चा सामान कहाँ से लाया जाए। BDO चौपाल तन्मय कंवर ने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद महिलाएं घर बैठे मोमबत्तियां तैयार कर कमाई कर सकती हैं। 21 मार्च से विकासखंड कार्यालय चौपाल में UCO RCT के माध्यम से एक ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था जो कि कैंडल मेकिंग से रिलेटेड थी। इसमें विभिन्न चौपाल के आसपास की विभिन्न पंचायतों की लगभग 30 से 35 महिलाओं ने भाग लिया था और अलग अलग प्रकार की कैंडल्स बनाने की इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें ये नॉर्मल कैंडल्स जो जैसे बिजली चले जाने पे जलाई जाती हैं वे, इसके अलावा डिज़ाइनर कैंडल्स और जो डेकोरेशन के लिए और जो खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं उनका भी इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे एक ये फ़ायदा हो सक यहाँ की महिलाओं को जो फ़ायदा होगा वो ये कि रोज़गार का एक नया माध्यम जो है इससे सृजित होगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी सहायता होगी। ये एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था और इसमें जो भी मटेरियल लाया गया था और जो भी खाना जो था ये महिलाओं के लिए पूरी रूप से फ्री था। इसके बाद भी हम इसी तरह की कोई और भी ट्रेनिंग्स आयोजन इस कार्यालय में करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार ये ट्रेनिंग इन महिलाओं को आत्मनिर्भर और बनाने की तरफ एक कदम है तो मुझे उम्मीद है कि आगे की ट्रेनिंग्स में भी महिलाएं इसी प्रकार भाग लेंगी और अपने अपने रोजगार के साधन जो हैं सृजित करेंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। भाई ये क्या, गाड़ी की सर्विसिंग करवाई पर वाइपर नहीं बदलवाए? अरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बरसात या बर्फबारी में ग्लास पर पानी और बर्फ जम जाती है जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और रोड पर कुछ भी साफ ना दिखने के कारण एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है। तो आज ही वाइपर ठीक करवाओ और खुद को व अन्य लोगों को भी दुर्घटना से बचाओ। रोड सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।